दोस्तों, एक कहावत है कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बस वही बात है कि हजारों बच्चे सीजीएल का फॉर्म नहीं भर पाए और हमेशा एसएससी कहता था कि एक्सटेंड करेंगे डेट, और इस बार उसने एक्सटेंड नहीं की। तो उसी का खामियाजा कहीं एमटीएस वालों को भी दोबारा से भुगतना ना पड़े और इनके भी फॉर्म अधूरे न रह जाएं, इसलिए बहुत हैवी क्वांटिटी में बच्चे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम उनको जो आ रही है फॉर्म फिल करने में, स्टेट प्रेफरेंस कन्फ्यूजन यहाँ पर बना हुआ है काफी लोगों का। कुछ लोगों ने गलत फिल करके भी सबमिट कर दिया है। अब फाइनल सबमिट करने के बाद कोई ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं बचता, इसलिए मुझे लगा कि आपको अवेयर करना चाहिए कि स्टेट प्रेफरेंस आप लोगों को कैसे डालनी है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई, हम अगर अलग स्टेट से हैं, हमको अलग स्टेट की प्रेफरेंस डालनी है, तो क्या डाल सकता हूँ, या फिर कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए, या फिर मुझे उस स्टेट की नॉर्मल लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ की जो मदर टंग होती है वो आनी चाहिए। तो ये सारे आप लोगों के कन्फ्यूजन्स थे, ठीक है। तो मुझे लगा कि 1-2-3 मिनट का शॉर्ट वीडियो आपको बना के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये एक नमूना सैंपल जो बोला जाता है, सैंपल पेपर, वो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के साथ में आपको अटैच करके दिया था। इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम में, लिंक मतलब डायरेक्ट पीडीएफ ही टेलीग्राम में मैं अपने सेंड कर दे रहा हूं। इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग पूरा डाउनलोड कर लोगे। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप इजिली पढ़ सकते हो, सारी डिटेल इन्होंने बता दी है। पहले मैं आपको इनका जो आर्टिकल दिया है, इन्होंने नोटिस दिया है रिलेटेड टू स्टेट प्रेफरेंस, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होगी, फिर कैसे आपको फिल करना है वो बताता हूं। प्रेफरेंस ऑफ स्टेट में बता रहे हैं, द कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन विल बी पोस्टेड इन अ डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ओके, अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जाएगा आपको। देन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव अ प्रेफरेंस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑल इंडिया इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी ऑल इंडिया में आप कहीं भी फिल कर सकते हो और उसके बाद प्रायोरिटी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आप अगर हो महाराष्ट्र से, आपने सिलेक्ट किया है महाराष्ट्र फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आपने गुजरात सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपका जो मार्क्स होगा वो पहले महाराष्ट्र के बच्चों से कंपेयर करके देखा जाएगा। यहां पर अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी महाराष्ट्र की, तो उसके बाद आपको फिर गुजरात में कंपेयर किया जाएगा। और अगर महाराष्ट्र के बाद आपने कोई भी स्टेट की प्रेफरेंस नहीं भरी है, तो भले ही आपकी जो मार्क्स हैं वो किसी और स्टेट के कट ऑफ से ज्यादा हो, लेकिन आपको फेल कर दिया जाएगा वहां पे। ये चीज होती है, ओके। और क्या बोल रहे हैं ये लोग, कैंडिडेट कैन गिव प्रेफरेंस फॉर ऑल स्टेट लिस्टेड इन एनेक्सचर आर गिव लिमिटेड प्रेफरेंस एज पर देयर चॉइस, यानी पूरे के पूरे ऑल स्टेट भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि भाई, हम किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, हम दूसरे स्टेट का प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। इफ कैंडिडेट विश टू ऑप्ट फॉर द लिमिटेड प्रेफरेंस देन ही शी हैज टू फिल नो चॉइस दैट इज एक्स, यानी अगर आपको पूरा स्टेट नहीं भरना है, और मैं तो कहूंगा कि सारे स्टेट आप मत भरो, देखो सब लोग बोल रहे हैं कि सारे स्टेट भरो, कहीं ना कहीं कट ऑफ लगेगी, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाकर जॉब नहीं करनी है, तो किसी दूसरे की सीट खराब मत करो प्लीज। मैं महाराष्ट्र से हूं, लेकिन मुझे पता है मैं साउथ में कभी नहीं जाऊंगा, मुझे वहां की लैंग्वेज भी नहीं समझेगी और मैं वहां पर सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जबरदस्ती अगर स्टेट प्रेफरेंस में मैं अगर भर दूं साउथ, तो साउथ का एक बच्चा मेरी वजह से वहां पर आउट हो जाएगा कट ऑफ की रेस में से। तो अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखो कि आपको कितनी तकलीफ होगी, इसलिए सारे स्टेट मत भरो, वही स्टेट भरो जहां पर आप जाना चाहते हो। तो बाकी आपके जो कॉलम्स होंगे उसका क्या करना है आपको, तो उन सारे कॉलम्स में आपको एक्स इस तरह से कर देना है, ये ऑप्शन दिख रहा है ये कर देना है। अभी मैं आपको नीचे और दिखाता हूं, ठीक है। पहले आप, मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लो और आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर दिख रहा है तो ये सिंगल स्क्रीनशॉट लो, ये लैंग्वेज कोड्स हैं, या फिर इसको दो पार्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर नहीं दिख रहा है तो नीचे। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहां पे जो आपके स्टेट आप लोग सिलेक्ट करोगे उनके कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये कोड आपको पता होना चाहिए, आपको आपके स्टेट का नाम नहीं लिखना है, कोड लिखना है। जैसे चंडीगढ़ का कोड है A, जम्मू कश्मीर का है B, हरियाणा का है C, इस तरह से अपने स्टेट का कोड आप लोग देखोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, होप सो के क्लियर दिख रहा होगा। और जब ये कोड आपको पता चल जाएगा, तो आप आपके आ जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, साइड में स्क्रीनशॉट या एक पेपर पे आप लिख के रख लोगे सारे कोड्स को। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म है यहां पे। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने चंडीगढ़ सिलेक्ट किया है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपने प्रेफरेंस आपकी भर दी, उसके बाद में बाकी स्टेट में आपको नहीं भरना है, तो इस तरह से आपको एक्स का ऑप्शन वहां पर होगा, वो सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो पूरे के पूरे स्टेट फिल कर सकते हो, लेकिन कह रहा हूं कि मत करो,
अगर आपको जहां पर नहीं करनी है जॉब, वहां की स्टेट फिल करके जबरदस्ती का कचरा मत करो। किसी और बच्चे का हक होगा, उसको वो कर लेने दो पूरा। तो इस तरह से होगा, आपको नीचे भी बताया हुआ है। आप चाहो तो अगर आपको सिर्फ एक स्टेट भी अगर चाहिए तो आप एक स्टेट लेके बाकी सब में एक्स कर सकते हो। कट ऑफ इसकी स्टेट वाइज जाती है, अलग अलग कट ऑफ जाती है, वेरी करती है। बहुत जगह कट ऑफ 80-90 तक गई थी पिछली बार, और बहुत जगहों पे कट ऑफ 70 तक भी रही थी। तो स्टेट में वेरी करती है कट ऑफ। उसके बाद सेकंड चीज, फोटो वगैरह का स्पेशली ध्यान रखो आप लोग। फोटो पे जो नया रूल्स वगैरह स्कीम लगी है, साइज देख लो, डेट क्या होनी चाहिए वो देख लो। देखो डेट का एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है, डेट ऑन विच द अपलोडेड फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, यानी फोटो के ऊपर आप लोग इस तरह से इस लेफ्ट साइड कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में, या नीचे एक तरह का बॉक्स बना के उसके अंदर डेट डालनी है आपको। डेट डालने के बाद ये जो चेकबॉक्स है इसके अंदर आप लोगों को डेट लिखनी है, जिस तरह से ये लिख के ये लोगों ने बताई है। दोनों डेट सेम होनी चाहिए, कोई गलती मत करो, दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा उसको करेक्ट करने का। उसके बाद आपसे पूछा है वेदर द डेट मेंशन इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, क्या फोटोग्राफ पे डेट दिख रही है, तो आपको दोबारा से यस करके कंफर्म करना है। साइज देख लेना है, 20 KB से लेके 50 KB के बीच की साइज आपकी होनी चाहिए। इमेज साइज 3.5 सेंटीमीटर × 4.5, ये जो आपका वेट दिया है और हाइट दिया है इसी के अंदर आप लोगों को फॉलो करना है। सिग्नेचर जो है आपका ये दिख रहा है, एक सैंपल सिग्नेचर, व्हाइट ब्लैंक पेपर होना चाहिए। साइज 10 KB से लेकर 20 KB होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर वेट, 2 सेंटीमीटर की हाइट, ये चीज आपको फॉलो करनी है। होप सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गई होगी, प्रेफरेंस कैसे भरना है। ओवरऑल आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको डोमिसाइल के लिए भी यहां नहीं बोला गया है, अक्सर जॉब में डोमिसाइल के लिए बोला जाता है। तो हो सकता है बहुत कुछ होगा तो बाद में नोटिफिकेशन देके आपको ये लोग बोल सकते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन दोबारा से आपको बोल रहा हूं, किसी दूसरे बच्चों की जॉब मत खाओ। अगर आप चाहते हो कि पूरी इंडिया में, मैं भले ही दिल्ली से हूं लेकिन मैं साउथ में जाके भी जॉब कर लूंगा, आसाम में जाके भी जॉब कर लूंगा, मैं अगर साउथ से हूं तो मैं दिल्ली और महाराष्ट्र में भी जॉब कर लूंगा, तभी आप लोग फिल करो। वरना सिर्फ किसी दूसरे की सीट बर्बाद करने के लिए मत करो। देखो ये बैंकिंग का एग्जाम नहीं है कि यहां पर वेटिंग लिस्ट आएगी। एसएससी की गंदी आदत यही है जो मुझे सबसे घटिया लगती है कि ये वेटिंग लिस्ट नहीं देता। बच्चों क्या करते हैं, प्रेफरेंस दे के सारी सीट ब्लॉक तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती, जिसकी वजह से दूसरे बच्चों को बैठा दिया जाए। तो वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम यहां नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बहुत लोगों का लास्ट ईयर रहता है, लास्ट चांस होता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। खुद के ऊपर से आप लोग फील कर पाओगे। तो एक दूसरे का हक मत लो, इजीली फॉर्म वगैरह सब फिल करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।